वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल. माय नेम इज कामिनी बोंडे. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी. लेसन नंबर फोर शिवाजी. चलो तो सबसे पहले हम इस लेसन को पढ़ेंगे. आप सभी ने लाइन पे फिंगर रखना है. ओके. करीब 350 वर्ष पुरानी बात है. महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के एक राजा थे. उन दिनों मुगलों का राज था. शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी था. राजे शाहजी बीजापुर के आदिल शाह के पास सरदार थे. जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी. वे उन्हें साधु संतों की एवं वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाया करती थी. जीजाबाई शिवाजी से हमेशा कहती थी, तुमने श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के वंश में जन्म लिया है तो उनकी तरह दुष्ट लोगों का संहार करके गरीब लोगों को सुखी करो. अभी हमारे लेसन का नाम है शिवाजी. शिवाजी को आप पहचानते हो क्या? हाँ, शिवाजी को हम सभी पहचानते हैं. शिवाजी ने हमारे देश को मुगलों से आज़ादी दी है ना, पता है ना आपको, और हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया. ऐसे ये शिवाजी महाराज, इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. देखो 350 वर्ष पुरानी यह बात है कि हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के राजा थे. अभी उन दिनों मुगलों का राज था और शिवाजी के माँ का नाम क्या था? जीजाबाई था और पिताजी का नाम शाहजी था. अभी राजे शाहजी बीजापुर के आदिल शाह के पास सरदार थे. जीजाबाई ने अपने बेटे को मतलब शिवाजी को बचपन से अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी. अभी संस्कार मतलब क्या? आदतें, गुड हैबिट्स. हमारी मम्मी, हमारी माँ भी हमें अच्छे संस्कार देती है, मतलब गुड हैबिट्स सिखाती है ना. वैसे ही शिवाजी महाराज की माँ ने मतलब जीजाबाई ने भी बचपन से ही अपने शिवाजी को अच्छी आदतें सिखाई. वे उन्हें साधु संतों की एवं वे वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाया करती थी. हमें भी कहानी सुनना बहुत पसंद होता है. हमारी माँ भी हमें कहानियाँ सुनाती है ना. तो ये जो जीजाबाई थी ये भी अपने बेटे को कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन कौन सी? साधु संतों की और वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाया करती थी. देखो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिख रहा है शिवाजी महाराज कहानी सुन रहे हैं. जीजाबाई शिवाजी से हमेशा कहती थी, क्या कहती थी? तुमने श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के वंश में जन्म लिया है तो उनकी तरह दुष्ट लोगों का संहार करके गरीब लोगों को सुखी करो. जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करो और हर गरीब लोगों की आप मदद करो. यह जीजाबाई अपने बेटे को शिवाजी को हमेशा कहती थी. थोड़ा समझदार होने पर उन्होंने किशोरों की सेना बनाई, तलवार चलाना भी सीखा. अभी थोड़े से समझदार हो गए थे शिवाजी, तब उन्होंने क्या किया? किशोरों की मतलब अपने दोस्तों के साथ एक सेना बनाई और क्या सीखा? तलवार चलाना भी सीख लिया. एक दिन अपने दोस्तों के साथ भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की उन्होंने शपथ ली. उस दिन से ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया. देखो
अभी एक दिन क्या हुआ, वह अपने दोस्तों के साथ कहाँ गए, भगवान शंकर जी के मंदिर में गए और वहाँ उन्होंने एक शपथ ली। क्या शपथ ली? हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की शपथ ली। अभी उस दिन से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इस काम के लिए उस दिन से वो लग गए। योग्य समय में उनका विवाह हो गया। उनके दो बच्चे थे, एक संभाजी और दूसरा राजाराम। अभी कुछ समय बीता तो वो बड़े हो गए और विवाह के योग्य हो गए, तो उनका विवाह मतलब शादी उनकी हो गई और शादी होने के बाद उनको दो बच्चे भी हो गए। उन बच्चों के नाम क्या थे? संभाजी और दूसरा राजाराम। शिवाजी महाराज अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक किला संभालते समय उनकी सेना का एक कुशल सरदार मुरारबाजी शहीद हो गया। इस समाचार से शिवाजी महाराज बहुत दुखी हो गए और उन्होंने यह सोचा कि ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। वे राजपूत राजा जयसिंह के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि यदि राजा जयसिंह शिवाजी के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो जाए तो हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार हो सकता है। उस समय चालाक जयसिंह अपनी बातों से शिवाजी को जयसिंह ने अपनी बातों से शिवाजी को प्रभावित किया और संधि करने का प्रस्ताव रखा। शिवाजी ने भी सोचा कि मनुष्यों की हानि के बजाय संधि से यदि कुछ समय तक लाभ होता हो तो संधि करने में भलाई है। इसलिए शिवाजी महाराज ने उनकी बात मान ली और संधि कर ली। उसी समय जयसिंह ने उन्हें बादशाह से मिलने को कहा। अभी देखो, शिवाजी महाराज न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब ये जो शिवाजी महाराज थे ये अच्छे से न्याय करते थे, मतलब सत्यवादी थे, वो न्यायप्रिय थे। अभी एक बार क्या हुआ, एक किला संभालते समय उनकी जो सेना में जो एक कुशल सरदार थे मुरारबाजी, वो शहीद हो गए, मतलब वो मर गए। इस समाचार से ये समाचार सुनते ही शिवाजी महाराज बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने मन में सोचा कि ऐसा होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वे राजपूत राजा जयसिंह के पास गए और उन्होंने जयसिंह से रिक्वेस्ट की कि यदि जयसिंह शिवाजी के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो जो शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य सपना साकार करने का हिंदवी स्वराज्य का सपना था वो साकार हो सकता है। अभी उस समय वो जो जयसिंह था वो बहुत चालाक था, उसने शिवाजी को अपनी बातों से प्रभावित कर दिया और संधि करने का प्रस्ताव भी रखा। फिर शिवाजी ने सोचा कि मनुष्यों की हानि के बजाय संधि में यदि कुछ समय तक लाभ हो सकता है तो कोई संधि करने में ही भलाई है। इसलिए शिवाजी महाराज ने जयसिंह की बात मान ली और संधि कर ली। अभी उस समय जयसिंह ने शिवाजी को बादशाह से मिलने को कहा। अभी नेक्स्ट पेज देखो, फिर क्या हुआ, जयसिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ बादशाह से मिलने गए। उस दिन बादशाह की 50वीं वर्षगांठ थी। औरंगजेब के दरबार में सरदारों का स्थान उनकी हैसियत के अनुसार निश्चित किया गया था। जब शिवाजी महाराज वहां पहुंचे तो उन्हें जानबूझकर सरदारों की कतार में खड़ा किया गया था। उनको राजपूत राजा जसवंत सिंह राठौड़ के बाद खड़े रहने को कहा गया, जो युद्ध भूमि से भाग निकला था। गुस्से में लाल पीले होते हुए शिवाजी दरबार छोड़कर बाहर चले गए।
जिस जगह पर वे रह रहे थे उन्होंने देखा कि वहाँ भी औरंगजेब का पहरा है। वे समझ गए कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने वापस जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने मना किया। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा, इसलिए उन्होंने अपने साथ लाए हुए लोगों को वापस भेज दिया। केवल अपने पुत्र संभाजी और हीरोजी फरजत तथा मदारी मेहतर, इन दो सेवकों को अपने साथ रखा। अभी जब जयसिंह ने शिवाजी को कहा कि आप अकबर बादशाह से मिले, तब देखो जयसिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। भी शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी के साथ संभाजी को लेकर बादशाह अकबर बादशाह से मिलने चले गए। भी जिस दिन वो बादशाह से मिलने गए तो उस दिन अकबर बादशाह की 50वीं वर्षगांठ, मतलब क्या, उनका उस दिन बर्थडे था। औरंगजेब के दरबार में सरदारों का स्थान उनकी हैसियत के अनुसार निश्चित किया गया था। अभी देखो जब शिवाजी महाराज वहां पहुंचे तो उनको जानबूझकर सरदारों की कतार में खड़ा रहने को बोला गया। और कहाँ रहने को बोला, राजपूत राजा जो जसवंत सिंह राठौर थे उनके बाद में खड़े रहने को कहा गया। और वो जो जसवंत सिंह राठौर थे वो कौन थे, जो युद्ध भूमि से भाग निकले थे, उनके भी बाद में खड़े रहने को शिवाजी को बोला गया। यह देखकर शिवाजी गुस्से से लाल हो गए थे और वहाँ से दरबार छोड़कर बाहर चले गए थे। जिस जगह पर अभी वो वहाँ से निकलकर जहाँ रह रहे थे वहाँ भी औरंगजेब का ही पहरा था। यह देखकर वह समझ गए शिवाजी महाराज कि हमें फंसाया गया है, तो उन्होंने वापस जाने की अनुमति मांगी। तभी बादशाह ने मना कर दिया। तभी उन्होंने यह सोचा कि यहाँ से किसी भी तरह हमें बाहर निकलना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने साथ जो भी लोगों को लाए थे उन सब लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया। और अपने पुत्र केवल संभाजी के साथ, संभाजी और उनके दो सेवक थे जिनके नाम थे हीरोजी फरजत और मदारी मेहतर, ये दोनों सेवक और अपने पुत्र संभाजी के साथ वो वहाँ पे रहे। नेक्स्ट, उन्होंने कैद से छूटने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने बीमारी का नाटक किया और मिठाई के टोकरी दान करने की औरंगजेब से अनुमति ले ली। इसके बाद कई दिन तक मिठाइयां बाहर जाती रही। एक दिन मौका देखकर दोनों बाप बेटे शिवाजी और संभाजी मिठाई के टोकरों में बैठकर कैद से बाहर निकले। उनके दो सेवक भी किसी तरह बहाना बनाकर भाग गए। इस खबर से औरंगजेब पछताए। देखो अभी वह कैद में थे कौन कौन, शिवाजी और उनके बेटे संभाजी भी कैद में थे, तो उन्होंने कैद से छूटने की एक तरकीब सोची। क्या क्या, उन्होंने बीमारी का नाटक किया और मिठाई की टोकरी दान करने की औरंगजेब से अनुमति ले ली। औरंगजेब से परमिशन ली कि मिठाई की टोकरे दान करनी है। और इसके बाद कई दिनों तक मिठाइयाँ बाहर जाती रही। एक दिन शिवाजी महाराज ने मौका देखकर अपने बेटे संभाजी को और खुद वह मिठाई के टोकरों में बैठकर वह कैद से बाहर निकले। देखो यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे शिवाजी महाराज और
उनके बेटे संभाजी मिठाई के टोकरों में बैठ रहे हैं। दिखाई दिया? ओके, आगे देखेंगे हम। फिर वहाँ से वो मिठाई के टोकरों में बैठकर कैद से बाहर निकले और उनके सेवक भी किसी तरह से बहाना बनाकर वहाँ से भाग गए। और ये खबर जब औरंगजेब ने सुनी तो वह बहुत पछताए। शिवाजी ने अपने राज्य में वापस आकर मोर्चा संभाला। इसलिए शिवाजी महाराज को लोग हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुगलों के हाथ से राज्य लेकर उस पर अपना कब्जा किया और हिंदवी राज्य की स्थापना की। देखो, शिवाजी फिर अपने राज्य में वापस आ गए और उन्होंने अपना मोर्चा संभाला। और इसलिए शिवाजी महाराज को लोग हमेशा याद रखते हैं, हम भी याद रखते हैं, हमें भी हमारे शिवाजी महाराज पर गर्व है कि नहीं? क्योंकि क्यों है गर्व? क्योंकि उन्होंने मुगलों के हाथ से राज्य लेकर उस पर अपना कब्जा किया और हिंदवी राज्य की स्थापना की। और इसीलिए आज हमारे राज्य में स्वतंत्र है। समझ में आया शिवाजी यह लेसन? अभी ये जो शब्दार्थ यहाँ पे दिए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ और मुहावरा दोनों अपने नोटबुक में लिखने हैं। और इस पाठ को अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। वंस अगेन थैंक यू।